वाले है राजस्थान के प्रमुख बांध। अधिकांश परीक्षाओं में इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, तो फोकट समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला बांध, बीसलपुर बांध। यह बांध बनास नदी पर टोंक जिले के टोडा रायसेन कस्बे में है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। इस पर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना संचालित है। इससे दो नहरें निकाली गई है। इससे अजमेर, जयपुर, टोंक में जलापूर्ति होती है। इसे नाबार्ड की सहायता से बनाया गया। नेक्स्ट, ईसरदा बांध। बनास नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग करने के लिए यह परियोजना सवाई माधोपुर के ईसरदा गांव में बनी हुई है। इससे सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर की जलापूर्ति होती है। नेक्स्ट, माही बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा। अप्रैल 1983 को माही बजाज सागर बांध देश को समर्पित किया गया। यह माही नदी पर निर्मित राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 3109 मीटर और ऊंचाई 43 मीटर है। और कागदी पिकअप बांध भी माही नदी पर बांसवाड़ा में है। अगला बांध, जाखम बांध। प्रतापगढ़ के अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया। यह राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 81 मीटर है। यह राज्य का पहला बांध है जिसका निर्माण जनजाति योजना के तहत हुआ। इससे उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ को पेयजल प्राप्त होता है। नेक्स्ट, जवई बांध। यह बांध लूनी की सहायक जवई नदी पर पाली के सुमेरपुर में बना हुआ है। इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने करवाया। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। ये बात मोस्ट है, याद रखना। जवई बांध में पानी की कमी होने से इसे उदयपुर की सेई परियोजना से जोड़ा गया है। नेक्स्ट, मेजा बांध। यह बांध भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में कोठारी नदी पर है। इससे भीलवाड़ा शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। मेजा बांध की पाल को ग्रीन माउंट कहते हैं, क्योंकि यह माउंट फूलों और सब्जियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, पांचना बांध। करौली जिले के गुरला गांव में बालू मिट्टी से निर्मित बांध है। इस बांध में भद्रावती, बरखेड़ा, अटा, माची, भैसावर पांच नदियां आकर गिरती है, इसलिए इसे पांचना बांध कहते हैं। यह मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यह अमेरिका के आर्थिक सहयोग से बनाया गया है। इससे करौली, सवाई माधोपुर, बयाना, भरतपुर में जलापूर्ति होती है। नेक्स्ट, मानसी बाकल बांध। यह उदयपुर में है। यह राजस्थान सरकार व हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट, आंगई बांध। यह बांध धौलपुर जिले में पार्वती नदी पर बनाया गया। इससे धौलपुर जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। नेक्स्ट, औराई बांध। यह बांध चित्तौड़गढ़ जिले में भोपालपुरा गांव के पास औराई नदी पर बनाया गया। इस बांध से एक नहर निकाली गई है। इसकी नहर से चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले में सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट, गंभीरी बांध। इस बांध का निर्माण निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ के पास गंभीरी नदी पर किया गया। यह मिट्टी से निर्मित बांध है। इस बांध से चित्तौड़गढ़ जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। नेक्स्ट, बंद बारेठा बांध। भरतपुर की बयाना तहसील के बारेठा गांव में स्थित कुकुन नदी पर महाराजा राम सिंह के समय करवाया गया। इस बांध को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। इस बांध की बनावट एक जहाज के जैसी है, इसलिए यह दूर से जहाज के समान दिखाई देता है। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर बांध। इसका निर्माण चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा नामक स्थान पर किया गया है। इसका निर्माण कार्य 1970 में पूरा हुआ। इसकी लंबाई 1170 मीटर और ऊंचाई 34 मीटर है। इस बांध पर कनाडा की सहायता से परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई। यह विश्व का सबसे सस्ता बांध है जिसका निर्माण केवल 31 करोड़ में किया गया। इसकी जल भंडारण क्षमता सर्वाधिक है। नेक्स्ट, जवाहर सागर बांध। 1962 में कोटा के बोरावास नामक स्थान पर निर्माण किया गया। कोटा व बूंदी को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। इसका निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए किया गया है। यह एक पिकअप बांध है। नेक्स्ट, कोटा बैराज। इसका निर्माण 1953 में शुरू हुआ और 1962 में पूरा हुआ। बांध के दाईं व बाईं ओर नहरों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, टोरली सागर बांध। टोरली गांव टोंक में बनाया गया। इसकी प्रमुख विशेषता है कि इसके सभी गेट खोल देने पर एक बूंद पानी भी नहीं रुकता है। नेक्स्ट, बांकली बांध। जालौर में सुकड़ी तथा कुलथाना नदियों के किनारे बांकली गांव में स्थित है। नेक्स्ट, अडवान बांध। यह भीलवाड़ा में मानसी नदी पर स्थित है। अगला, नारायण सागर बांध। यह अजमेर जिले के ब्यावर के पास खारी नदी पर स्थित है। इसे अजमेर जिले का समुद्र कहा जाता है। अगला, हरसौर बांध।
नागौर की डेगाना तहसील में बनाया गया। इस बांध से लूनियास व हरसौर नहर विकसित की गई। नेक्स्ट, अजान बांध भरतपुर में सूरजमल जाट द्वारा निर्माण करवाया गया। इसका निर्माण बाणगंगा व गंभीरी नदी के पानी को भरतपुर में नहीं आने देने के लिए किया गया। नेक्स्ट, मोती झील बांध, इस बांध का निर्माण रूपारेल नदी पर सूरजमल जाट द्वारा किया गया है। इसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। इस बांध के द्वारा रूपारेल व बाणगंगा का पानी यूपी की ओर निकाला जाता है। नेक्स्ट, नंदसमंद बांध, इसे राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। इस बांध का निर्माण नाथद्वारा राजसमंद में बनास नदी के तट पर करवाया गया। नेक्स्ट, सीकरी बांध, यह बांध भरतपुर में स्थित है। इस बांध द्वारा नगर कामा दीप तहसील के अनेक बांधों को भरा जाता है। यह बांध रूपारेल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, लालपुर बांध, यह भरतपुर में स्थित है। इस बांध को बाणगंगा नदी द्वारा भरा जाता है। नेक्स्ट, अजीत सागर बांध, यह बांध खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट, पन्नालाल शाह का बांध, यह बांध खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। झालावाड़ के बांध, चबली बांध, भीमसागर बांध, छापी बांध, कालीसिंध बांध। निष्कर्ष के रूप में कहे तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है। इसकी ऊंचाई 81 मीटर है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध, इसकी लंबाई 3109 मीटर। राजस्थान में सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध राणा प्रताप सागर बांध है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसी क्रम में अगला वीडियो राजस्थान में जल संग्रहण का होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम राजस्थान भारत विश्व के भूगोल को सीरियल बाय